नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सुवीडियो में, जहां आप जानेंगे केरल वर्मा पझसी राजा की अहम बातें। केरल वर्मा पझसी राजा 3 जनवरी 1753 ईसा पूर्व से 1805 केरल की स्वतंत्रता सेना त्रावणकोर भाग गए। पझसी राजा ने कोट्टयम सेना से कहीं अधिक मजबूत मैसूर आक्रमणकारियों के खिलाफ एक सुसंगठित छापामार लड़ाई का नेतृत्व किया। इस दौरान वो कोट्टयम में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरे, क्योंकि जनता उनके प्रिय राजकुमार के साथ मजबूती से खड़ी हुई, जिसने उनकी विपत्ति में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके सैनिक नायर योद्धाओं तथा कुरिचियास और मुलुकुरुम्बास आदिवासियों के बीच से लिए गए थे। राजा पझसी का राजत्व। केरल वर्मा पझसी राजा का जन्म कोट्टयम शाही राजवंश पुरानट स्वरूपम के पंडिनजारे कोविलकम में हुआ था। इस पंडिनजारे कोविलकम या इस शहरी राजवंश की पश्चिमी शाखा पझसी में स्थित थी। इस प्रकार लोकप्रिय पझसी राजा नाम आया। कुनूर जिले का थालासेरी तालुक आज जहां है, वहां कोट्टयम का राजत्व हुआ करता था। इस राजत्व की राजधानी पझसी कोट्टयम में स्थित थी। ये एक छोटा सा शहर था जो तेलीचेरी से अधिक दूर नहीं था। व्यक्तित्व। पझसी राजा अपने राजवंश के एक कनिष्ठ राजकुमार थे और नियति के कारण ही वो नेतृत्व में जा पहुंचे थे। किसी शगुन की तरह कोट्टयम और वायनाड की सभी जातियों, जनजातियों और वर्गों में राजा के प्रति प्यार सम्मान है। उन्हें इस हद तक प्यार किया जाता था कि वो उत्तरी मालाबार में लोक गीतों के एक नायक बन गए हैं। केरल वर्मा पझसी राजा 2009 फिल्म में, जैसी की लोकप्रिय कथा है, राजा को एक लंबा व्यक्ति दर्शाया गया है, लेकिन उनके साथ शांति वार्ता करने वाले 1797 में बंबई का गवर्नर जोनाथन डंकन के अनुसार राजा एक मधुर मुस्कान वाले छोटे कद के लंबे बाल और मूछे वाले व्यक्ति थे, जो अक्सर एक लाल टोपी लगाया करते थे। इससे इस उल्लेख के आरंभ में राजा का किया गया कलात्मक चित्रण एक हद तक गलत हो जाता है। राजा की 2 पत्नियां थी। पहली का नाम अव्यंत कुंजनी था, जो उम्र में लगभग राजा के बराबर थी, और वो आधुनिक उत्तरी कालीकट के लगभग स्वतंत्र राजा पयोमरमाला नायर की भतीजी थी। जंगलों में राजा के साथ घूमने वाली पत्नी यही थी, और जिन्हें 1805 में बीमार हालत में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम है कैथेरी मकॉम था, जो राजा के घनिष्ठ सहयोगी कैथेरी अंबू की बहन थी। मकॉम राजा से काफी कम उम्र की थी और ये संबंध बनाने की करतूत पजायम विदेन चंदू की थी, जो उस समय राजा का वफादार वुडकॉक जैसे इतिहासकार पझसी राजा 92 में निर्वासन से लौटने के बाद मालाबार के समकालीन राजकुमारों और सामंतों ने 20 साल की मैसूर आतंक से पहले से ही पीड़ित अपनी जनता पर ढेर सारे अमानवीय कर लागू कर दिए थे। जबकि इसके विपरीत पझसी राजा ने धन्य व्यापारियों से एक बड़ी रकम लेकर खेती के काम शुरू करने के लिए अपने किसानों को बैल, गाय, बीज और चारों की मदद प्रदान की। तलासेरी की घेराबंदी। 1778 में हैदर के जागीरदार चिलाक्कल के राजा ने खुद हैदर के आदेश पर तलासेरी को घेर लिया और उसकी आर्थिक नाकाबंदी कर दी। मैसूर सेना के हाथों से कोट्टयम को छुड़ाने में तलासेरी में स्थित सशस्त्र ब्रिटिश कारकों ने पझसी के राजा के लोगों को सक्षम बनाया। ब्रिटिश सेना के इस कदम से चिराक्कल सेना पर अब पझसी सेना द्वारा पीछे से हमला करना सुनिश्चित हो गया। चिराक्कल सेना ने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन पझसी ने उनका पीछा किया और चिराक्कल सेना को तबाह कर दिया, और उसके बाद वो कोट्टयम की ओर कूच कर गए, जहां उन्होंने मैसूर कब्जे को समाप्त किया और पूरे कोट्टयम पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में, जब ब्रिटिश और राजा की संयुक्त कार्रवाई से मालाबार में मैसूर सेना को तबाह किया जा सकता था, तब तलासेरी स्थित ब्रिटिश कारकों को ब्रिटिश गवर्नर द्वारा निर्देश दिया गया कि हैदर के साथ नाम मात्र शांति को समाप्त नहीं किया जाए।
इस प्रकार थालासेरी में हुई जीत को नहीं भुनाने के ब्रिटिश फैसले का फायदा मैसूर ने उठाया। बलवंत राव के माधात एक मैसूरी टुकड़ी द्वारा चिराक्कल सेना को मजबूत बनाया गया, जिसने कोट्टायम की ओर कूच किया। गुप्त रूप से ब्रिटिश द्वारा गोला बारूद और हथियारों की आपूर्ति के बावजूद पझस्सी के लोग इतनी बड़ी सेना को रोक पाना या हरा पाने में विफल रहे और एक युद्ध के दौरान जल्द ही कोट्टायम सेना बिखर गई। उसके बाद मैसूर चिराक्कल सेना ने कड़ाथंड पर कब्जा कर लिया और वहां एक कठपुतली राजा को बिठा दिया, जिसने मैसूर के साथ हाथ मिला रखा था। 1779 में एक विशाल मैसूर चिराक्कल कठाथंड सेना ने तलासेरी को घेर लिया। पझस्सी राजा ने तलासेरी की रक्षा के लिए 1300 नायरों की एक सेना ब्रिटिश की मदद के लिए भेजी और इसमें सफलता प्राप्त हुई। 1779 के अंत तक घेराबंदी को तेजी से एक सफल परिणाम तक पहुंचाने के लिए मैसूरी सेनापति सरदार खान को तलासेरी भेजा गया। सरदार खान जानता था कि पझस्सी की मदद से ही उसका प्रतिरोध करने में ब्रिटिश सक्षम हुए और इसीलिए उसने पझस्सी के साथ समझौता वार्ता शुरू किया। उसने पझस्सी के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो मैसूर के साथ मित्रता कर ले और साथ में 5,00,000 रुपए का उपहार प्रदान करे तो मैसूर अधिकृत कोट्टायम के क्षेत्र में वापस दे दिए जाएंगे। इतने कम समय में इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करना कोट्टायम के वंश से बाहर की बात थी, लेकिन पझस्सी ने सरदार खान को भुगतान करने के लिए अपनी ओर से बड़े प्रयास किए और उसे 60,000 रुपए का भुगतान कर भी दिया था, लेकिन शायद खान संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मालाबार में उनके अधिकार की वापसी के पझस्सी के अनुरोध को ठुकरा दिया। सरदार खान के इस लालची व उद्दंड दृष्टिकोण से ये तय हो गया कि तलासेरी पर कब्जा जमाना मैसूर के लिए लगभग असंभव है। पहला युद्ध 1793 से 1797। पझस्सी राजा के कुरुम्ब्रांड के राजा अपने चाचा वीर वर्मा के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। 1793 में इस धूर्त चाचा राजा ने ब्रिटिश आयुक्तों को समझाया कि उसे कोट्टायम में कर जमा करने दिया जाए। उसने सोचा था कि अच्छी कर उगाही से अंग्रेजी खुश हो जाएंगे और उसे पूरे कोट्टायम पर कब्जा जमाने दिया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि पझस्सी राजा इस ब्रिटिश चाल से गुस्से में आ गए। उन्होंने खुद को छला हुआ महसूस किया। आखिरकार उत्तरी मालाबार में वो एकमात्र राजा थे जिन्होंने मैसूर के साथ युद्ध में लगातार अंग्रेजों की मदद की थी। राजा वीर वर्मा असली धोखेबाज था। एक तरफ उसने कोट्टायम में कर जमा करने का सीधा जिम्मा अपने हाथों में ले लिया और दूसरी तरफ उसने पझस्सी राजा को अंग्रेजों का विरोध करने को उकसाया। इसके अलावा अंग्रेजों का मूल्यांकन कठोर था और भुगतान करने की किसानों की क्षमता से परे था। उन्होंने अंग्रेजों के एजेंटों द्वारा जबरन कर उगाही का विरोध किया और पझस्सी राजा ने इस मुद्दे को अपने हाथों में ही ले लिया। जैसा कि पहले देखा गया है, राजा ने इस जबरन वसूली का तगड़ा विरोध किया। 1793 में विरोध स्वरूप पझस्सी राजा ने कोट्टायम में अंग्रेजों द्वारा कर वसूली नहीं होने देने को सुनिश्चित किया। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर अंग्रेज अधिकारियों ने काली मिर्च की लताओं की गणना बंद नहीं की तो वो लताओं को नष्ट कर देंगे। बहरहाल स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों ने राजा के साथ चर्चा की और जल्द ही दोनों को वीर वर्मा के गंदे खेल का पता चल गया। सो अंग्रेजों ने राजा को स्वीकार योग्य समाधान का रास्ता अख्तियार किया, जिसके तहत कुल राजस्व का 20% राजा के पास और अन्य 20% मंदिर खर्च में जाना तय हुआ। भविष्य में मंदिर संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाना भी तय हुआ। 1793 में टीपू के वकीलों ने अंग्रेजों से शिकायत की कि ब्रिटिश अधीन स्थित पझस्सी राजा ने अधिकांश वायनाड पर कब्जा जमा लिया है, जो तब भी मैसूर के अधीन था। जल्द ही राजा वायनाड पठार के सर्वोच्च बन गए, लेकिन गवर्नर जनरल ने मूर्खतापूर्ण ढंग से 1794 के समझौते को रद्द कर दिया और कुरुम्ब्रांड राजा को 5 साल के पट्टे पर कोट्टायम दे दिया गया। राजा को इससे वाजिब तौर पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने प्रथागत कानून के अनुसार अपने देश का शासन चलाकर इसका प्रतिरोध करने का फैसला किया। पट्टा की अवधि समाप्त होने के 1 साल पहले राजा ने महान नायर इरुवा जिनाड के नारगोली नाम्बियार को अपने यहाँ शरण दी, जिन्हें अंग्रेजों ने अपराधी करार दे रखा था क्योंकि उन्होंने ऐसे 3 लोगों की हत्या कर दी थी जिन्होंने उनके स्वजन की हत्या की थी। नाम्बियार के साथ राजा के इस दयाभाव से अंग्रेज चिढ़ गए। अंग्रेज इस बात से भी नाराज हुए कि राजा ने प्रथागत कानून के अनुसार 2 डाकुओं को सूली पर चढ़ा दिया था।
अंग्रेजों ने हत्या के आरोप में राजा को गिरफ्तार करने की योजना बनाई, लेकिन ये सोचकर इस विचार को त्याग दिया क्योंकि राजा की रक्षा में 500 सशस्त्र वायनाड के नायर अंगरक्षक लगे हुए थे। तब राजा ने 1796 में मैसूर के कमांडेट से मुलाकात के लिए करकन कोटा का दौरा किया और 1797 में मैसूर में पुराने दुश्मन टीपू से भी भेंट की, जिसने युद्ध होने की स्थिति से निपटने के लिए राजा की मदद में अपने 6000 लोगों को करन कोटा में तैनात कर दिया था और विद्रोहियों को भी गोला बारूद की आपूर्ति करने लगा। उन्होंने सैनिक और हथियार जमा करने भी शुरू कर दिए थे। युद्ध आसान था। पचहस्सी से निपटने के लिए बंबई सरकार ने मेजर जनरल के मातहत 1200 सैनिक और तोपखाना भेजा। अंग्रेजों ने कोट्टयम में चौकियों की स्थापना करनी शुरू की और वायनाड में अधिक सैनिक भेजे गए। 1797 की शुरुआत में नायर योद्धा पूरे कोट्टयम में उठ। आपको कैसा लगा ये जानकर बताएं हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।